अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। चले इस ट्यूटोरियल में हम एक ट्रेंडी सा एसिमेट्रिकल जैकेट बनाना सीख लेते हैं, जिसका फैब्रिक लाइनिंग, कुछ लेसर्स और बीड्स स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप इसको चेक कर लें और एंड तक मेरे साथ बने रहे इसका फाइनल लुक देखने के लिए। मैंने अपनी लास्ट अपलोडेड वीडियो में इसका ट्यूटोरियल दिया था, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लें और इसका ट्यूटोरियल ड्राफ्टिंग का सीख लें। इसको वन शोल्डर टॉप बनाने के लिए बैक नेक जिसका डेप्थ मैंने 2 इंच लिया है, वहाँ से हम आर्मपिट एरिया जो कि सीम अलेवेंस छोड़ छोड़ के आपको ज्वाइंट करना है। गाइस, इसका लुक बहुत ही खूबसूरत आया है, इसलिए आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कॉमेंट ज़रूर करें। अब इस ड्राफ्टिंग को मैं एक अलग से कपड़े पे इसकी मार्किंग करना सिखाऊंगी। जब आप फैब्रिक फोल्ड करें तो इसकी ब्रॉडनेस अच्छी से आनी है। आप इसको फोल्ड कर लें तो ये राइट साइड पे आपको ओपन हिस्सा और लेफ्ट साइड में क्लोज्ड हिस्सा मिल जाएगा। आप अपनी ड्राफ्टिंग को लेफ्ट साइड पे रखें और नेक का मेजरमेंट मार्क कर लें जो कि 5 इंच है। उस पॉइंट से बॉटम तक साइड पे जहाँ पे क्रॉस मैंने लगाया है वहाँ पर हाइट 40 इंच मार्क कर लें, जो कि मैं यूजुअल सीम अलेवेंस के साइड हाइट ले रही हूँ। नेक्स्ट आर्मपिट से आप उसी पॉइंट पे रख के क्रॉस मार्किंग दे दें। नेक्स्ट हम नेक की तरफ और दूसरे आर्म होल साइड बॉटम तक इसकी मार्किंग दे देंगे। साइड बॉटम पे ये जो हाइट है इसकी ड्राफ्टिंग का 15 इंच है। आपको 15 इंच अगर आपको रखना है तो उतना ही लेना है, लेकिन मैं 24 इंच मैंने रखा है तो मैं कुछ एक्स्ट्रा मार्क करूँगी, लेकिन यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं है। हाई पॉइंट से लो पॉइंट तक आप अपने टेप को इस तरह स्ट्रेट रखें, और स्ट्रेट मार्किंग भी दे सकते हैं या कर्व मार्किंग भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी कटिंग कर लेंगे। गाइस, आप लाइनिंग कट करने के लिए अपने फैब्रिक को फोल्ड करें और हमारी जो एक्चुअल ड्राफ्टिंग है इस फैब्रिक पे रख के अपना लाइनिंग कट कर लेंगे। लाइनिंग आप सेम 15 इंच का हाइट भी रख सकते हैं या फिर लंबा भी रख सकते हैं, जो कि मेरा हाई वाला हाइट 24 इंच है, मैं कुछ 1 इंच लंबा ले रही हूँ लाइनिंग के लिए। गाइस, मेरे इस चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कॉन्टैक्ट्स को शेयर करें, ताकि वो मेरे वीडियो से कुछ मदद ले सकें। तो ये लाइनिंग कट के रेडी हुआ है। आप इसका एक हिस्सा सेपरेट कर लें। नेक्स्ट हम ऊपर की जो कटिंग किया है उसको लाइनिंग पे रख के आर्म होल, शोल्डर, नेक और दूसरा आर्म होल तक इसको ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से फ्रंट बैक दोनों फैब्रिक्स को ज्वाइन करके रखें। गाइस, आपको मेरे इस छोटे से चैनल पर कुछ और एक्टिविटीज़ दिखाई देगी इंशाल्लाह। एवरी वेनसडे मैं कुछ आर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ अपलोड करूँगी, इसलिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा है। गाइस, इसी तरह आप दोनों पीसेस को ज्वाइन कर लें। आप नेक पीस बनाने के लिए कैनवास को फोल्ड करें और अपने ड्राफ्टिंग को रख के नेक साइड पे मार्किंग कर लें। आप इसकी ब्रॉडनेस आप 1.5 से 2 इंच भी रख सकते हैं। इतना रख के मार्किंग करके आप इसे काट दें। नेक्स्ट हम इसको किसी भी फैब्रिक पे, मैं यहाँ पे लाइनिंग फैब्रिक पे इसको फिक्स कर लूँगी। फिक्स करके इसको काट देना है और नीचे वाले हिस्से पे हेम दे देना है। गाइस, मेरे इस चैनल पे आपको बेसिक वीडियोस भी मिलेगी और बहुत सारी फैशन रिलेटेड वीडियोस भी मिलेगी। आप इसको ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स और कॉन्टैक्ट्स को शेयर करें।
और सब्सक्राइब के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना कभी ना भूले। गाइस नेक्स्ट हम नेक पीसेस को इस पर स्टिच करने के लिए पिन की मदद से इसको पहले फिक्स कर लेंगे। नेक पीस और फैब्रिक का राइट साइड्स मिला के रखें और पिन से इसको फिक्स कर लें। और जितना भी आपने सीम अलाउंस छोड़ा है, हाफ इंच, 1/4 इंच, उस सीम अलाउंस पे आप इसको स्टिच कर ले। तो मैं यहाँ पे हाफ इंच के सीम अलाउंस पे इसको स्टिच किया है। आप इसे नॉचेस लगा दें ताकि आपको कर्व शेप बराबर से आ जाए। नेक्स्ट हम नेक पीस को रॉन्ग साइड की तरफ टर्न कर लेंगे और इसको टॉप स्टिच दे देंगे। इसी तरह बैक साइड पे भी आप अपना नेक पीस ज्वाइन कर लें, लेकिन टॉप स्टिच बिल्कुल ना दें क्योंकि इससे शोल्डर को ज्वाइन करने में दिक्कत आ जाएगी। नेक्स्ट मैं स्लीव्स कटिंग बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। आप अपने फैब्रिक को फोल्ड करें और आर्म होल जो कि एक साइड का जो आर्म होल है उसको रख के आप कर्व लगा दें। इस बहुत ही आसान तरीका है बिगनर्स के लिए। आप ये मेथड भी फॉलो कर सकते हैं आर्म होल रख के स्लीव्स कर्व बनाने के लिए। नेक्स्ट हम स्लीव्स बॉटम का ब्रॉडनेस ज्वाइन करें और इसे काट दें। नेक्स्ट इसके बॉटम पे मैं 3 बेल कट करके लगाऊंगी। इस बेल कट करने के लिए मैं बचा हुआ फैब्रिक लेके इसको फोल्ड करके जितना हमारा स्लीव्स बॉटम है उसको मार्क करूंगी और पूरी तरफ इसका हाइट दूंगी। तो मैं यहाँ पे 9 इंच जो कि लंबा बेल है ये मार्क करके इसको काट दिया है। नेक्स्ट मैं 7 इंच का और एक बेल कट करूंगी। इसी तरह बचा हुआ फैब्रिक लेके फोल्ड कर लिया है। इसी बेल को रख के आप स्लीव्स बॉटम मार्क करें। नेक्स्ट हम टेप की मदद से इसको 7 इंच मार्किंग देंगे। ये सेकेंड कट होगा। नेक्स्ट मैं और एक बेल कट करूंगी जो कि 5 इंच का होगा। गाइस नेक्स्ट हम लाइनिंग कट करेंगे ऊपर वाले हिस्से के लिए और लाइनिंग को जॉइंट कर लेंगे चारों साइड पे। अब हम फ्रंट नेक पे लेस जॉइंट करेंगे। जहाँ पे कर्व है थोड़ा सा फोल्ड लेंगे। तो मैंने लेस लगा दिया है। आपको और एक स्टिच देना है थोड़ा सा नीचे। अब बैक साइड की लेस जॉइंट करने के लिए सबसे पहले लेस को शोल्डर पे जॉइंट कर लें। नेक्स्ट हम बैक साइड पे जो नेक पीस है उसको टॉप स्टिच नहीं दिया है क्योंकि शोल्डर जॉइंट करने में आसानी हो। अब मैं बैक पीस को सीधी साइड्स जॉइंट करके रख लूँगी फ्रंट और बैक पीस को। और जो नेक पीस जो हम लोगों ने स्टिच किया है उसको उल्टी तरफ टर्न कर लेंगे। अब हम शोल्डर पे 1/2 इंच के नीचे स्टिच लगाएंगे। इससे हमारा जो शोल्डर सीम होगा क्लोज होके आएगा। आप डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं लेकिन साइड से आपका शोल्डर सीम और उसके रॉ एजेस दिखाई देंगे और इवन आपके बच्चों को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। तो शोल्डर पे डबल स्टिच दे देना है। नेक्स्ट हम लेस जो शोल्डर पे स्टिच किया है इसको फिक्स कर लेंगे। इसको स्टिच करने के लिए जहाँ पे कर्व है वहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड ले लें और टॉप स्टिच दे दें। गाइस अगर ट्यूटोरियल पसंद आ गया है तो सब्सक्राइब के लाल रंग को ज़रूर क्लिक करें बेल आइकन के साथ साथ, क्योंकि जैसे ही मैं मेरा नेक्स्ट अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर सुनाई दे। नेक्स्ट लेस स्टिच होने के बाद हम स्लीव्स को आर्म होल पे स्टिच कर लेंगे। स्लीव्स जॉइंट होने के बाद साइड्स को जॉइंट कर लेंगे। साइड्स में जो भी स्लीव्स का एक्स्ट्रा हिस्सा आया है उसको काट देंगे और आर्मपिट से थोड़ा 1 से 1.5 इंच नीचे तक इसको जॉइंट करेंगे और ऊपरी
जो हमारा फैब्रिक है उसको अलग कर लेंगे। जहाँ पे हम अपनी जॉइंट स्टिच स्टॉप करेंगे वहाँ पे पहले डबल स्टिच देंगे क्योंकि ये स्टिच ना खुले। डबल स्टिच देने के बाद ऊपर का जो हमारा हिस्सा है उसको सेपरेट कर लेंगे और अपने नीडल को लिफ्ट करके अपने ऊपर वाले फैब्रिक को अलग कर लें और बाकी का इनर वाला फैब्रिक ज्वाइन कर लें। गाइस, नेक्स्ट हम ऊपर वाले हिस्से को ज्वाइन कर लेंगे जहाँ पे जॉइंट है वहाँ से बॉटम तक। तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। नेक्स्ट हम स्लीव्स के जो बेल हम लोगों ने काटे हैं उसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए स्लीव्स बॉटम पे जितना भी हम लोगों ने ब्रॉडनेस रखा है उस ब्रॉडनेस को मार्क करके साइड्स को ज्वाइन कर लें। तीनों अम्ब्रेला बेल जो हम लोगों ने कट किया है उसको साइड्स ज्वाइन कर लें। जो मैंने यहाँ पे तरीके बताए हैं बहुत आसान और बेसिक है, आप इसको ज़रूर अपनाएं अपनी स्टिचिंग में तो आपकी स्टिचिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। नेक्स्ट हम तीनों अम्ब्रेला बेल को एक दूसरे के साथ रखेंगे जैसे कि हम लोगों को अपने स्लीव्स पे अटैच करने हैं और उसका जो टॉप हिस्सा है उस पर एक स्टिच लगा देंगे फिक्स करने के लिए। ये स्टिच होने के बाद नेक्स्ट हम आप स्लीव्स के बॉटम पे इसको फिक्स कर लेंगे। अब पहले इसको इस तरह रखें कि जैसे कि जॉइंट होने हैं और इसको ऊपर की तरफ टर्न करें और बराबर से एडजस्ट करके पिन की मदद से आप इसको जॉइंट करके भी फिक्स कर सकते हैं या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिक्स कर लिया है। अब हम इन बेल्ट्स के बॉटम को लेस लगाएंगे। नेक्स्ट और एक साइड बच जाता है ज्वाइन करने का, सेम तरीका अपनाएं ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट हम बॉटम्स को हेम करें और लेसेस से इसको डेकोर करें। तो ये लुक ऐसा लग रहा है और मैंने इसको पेयर अप किया है इनर से। आप इनर के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैंने इसको गरारा से इसको पेयर अप किया है। आप इसके अंदर गाउन भी पहन सकते हैं और गरारा का ट्यूटोरियल का लिंक मैं ऊपर दूंगी, आप इसको चेक करें। गाइस, आपको ये लुक कैसा लगा है कमेंट ज़रूर करें क्योंकि आपके पॉजिटिव कमेंट से एनकरेजमेंट ज़रूर मिलता है। अगर आपको पसंद ना आए तो भी आप कमेंट पे मुझे बता सकते हैं। अब मैंने इस टॉप के बॉटम पे कुछ हैंगिंग्स लगाए हैं जो कि आजकल के फैशन ट्रेंड में है। तो इसको लगाने के लिए आपको इस तरह की नीडल इस्तेमाल करनी है जिसका आई बहुत ही लंबा हो, ब्रॉड ना हो, और आप इस पे डबल थ्रेड का इस्तेमाल करें जो कि टोटल 4 स्ट्रैंड्स होने चाहिए। आपको डबल स्ट्रैंड का थ्रेड लेना है और जब आप नॉट लगाए तो टोटल 4 स्ट्रैंड्स बन जाना चाहिए। इससे आपके हैंगिंग्स स्ट्रॉन्ग और नॉन ब्रेकेबल बनेंगे। नेक्स्ट हम इक्वल गैप पे आप अपनी नीडल को पहले नॉट दे दें और मैंने 15 बीड्स इस्तेमाल किए हैं। अल्टरनेट कलर्स यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं जो कि टॉप पे मैंने यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर मैंने टर्कवाइज ग्रीन और गोल्डन कलर के बीड्स का इस्तेमाल किया है। आप जितने भी बीड्स आपको डालने हैं आपको एंड तक करना है और लास्ट में जो आपको बीड नज़र आए उसको छोड़ के आपको बाकी बीड्स के अंदर वापस नीडल को वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे लाना है। गाइस, मेरा वीडियो ट्यूटोरियल अब एंड हो रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आर्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगी। यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर
अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, और स्टे ट्यून्ड रहे। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट ट्यूटोरियल अपलोड होगा।